दोस्तों, अगर आप ओप्पो एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं तो आपको अगर मोबाइल को ओपन करने से पहले ये चीज़ आता है, प्लीज़ डू नॉट ब्लॉक द टॉप ऑफ द स्क्रीन, तो आप घबराइए मत, हम आपको पूरी सॉल्यूशन बताएंगे आपको किस तरह से इसको हटाना है। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं किस तरह से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या पड़ेगा इस चीज़ को हटाने के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में आपको एक छोटा सा अक्षर में आपको लिखा है और टैब एंड होल्ड वॉल्यूम अप। तो दोस्तों, आपको जो है जिससे आप कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, जिससे आप आवाज़ बढ़ाते हैं बटन से, तो उसको जो है आपको जो है दबा के रखना है होगा कुछ सेकेंड। जैसे वॉल्यूम अप होता है, वॉल्यूम डाउन आता है, तो आपको जो है वॉल्यूम अप जो है ऊपर में मिल जाएगा। सबसे ऊपर में बटन होता है, एक होता है नीचे में, तो आपको वही दबा के रखना होगा थोड़ा सा सेकेंड के लिए। तो जैसे ही आप उसको दबा के रखेंगे तो आपको जो है ये चीज़ हट जाएगा। तो अगर आपको सब दिन के लिए हटाना चाहते हैं तो आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं वॉल्यूम अप बटन को आपको दबा के रखना होगा एक दो सेकेंड के लिए, तो आपको जो है ये खुल जाएगा। तो अगर सब दिन के लिए हटाना चाहते हैं तो आपको जो है सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम सेटिंग में आ जाते हैं। तो दोस्तों, सेटिंग में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगा, जेस्ट्रेशन एंड मोशन। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नीचे में देखिए लास्ट एक ऑप्शन होगा, इनेबल होगा, तो आपको जो इसको डिसेबल कर देना है। इस चीज़ को देखिए यहाँ पे, तो इसको जो है आप डिसेबल कर दीजिए, तो आपको जो ये परेशानी कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। और कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो नीचे कमेंट में हमें बताइए, हम आपको पूरी सहायता करेंगे जल्द से जल्द। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।